स्वागत है आपका वरदान न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नैना शांडिलिया। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर की खबरों के साथ। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर। उन्नाव से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्नाव जिले के शुक्लागंज के थाना गंगा घाट के अंतर्गत 5 महीने पूर्व बलात्कार हत्या का शिकार हुई बेटी काजल के पिता को अभी तक नहीं मिला इंसाफ। पीड़ित पिता ने गंगा घाट पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। 50 लाख में वर्दीधारी ने बेचा अपना ईमान। सुशील यादव चौकी चार्ज 5 लाख रुपया ले चुके, इसलिए उसको सुशील यादव बंद नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता है लड़का यहाँ, आपने देखा उसको? जी, हमने उसको उसी की छत पे देखा। उत्तर प्रदेश रेलवे मंडल के DRM लखनऊ से शुक्लागंज बाया किनारा रेलवे स्टेशन तक सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश रेलवे मंडल के DRM लखनऊ से निरीक्षण करते हुए पहुंचे उन्नाव रेलवे स्टेशन, जहां उन्होंने उन्नाव स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने मगरवारा शुक्लागंज बाया किनारे पुल रेलवे स्टेशन व गंगा नदी पर बने रेलवे पुल का निरीक्षण किया। उन्नाव जिले के शुक्लागंज से, जहां उन्नाव जिले में सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग की हरकतों से जनता परेशान। रोस्टिंग के नाम पर बिजली काटी जाती, अनाधुन कई घंटों के हिसाब से शुक्लागंज की बिजली कटौती, हर बार रोस्टिंग व फाल के नाम पर नगर की बिजली गुल की जाती है। बिजली विभाग के सभी नंबर भी बिजी मोड पर डाल दिए जाते हैं। एक खबर आ रही है उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के जोधा खेड़ा गांव में मानसिक रूप से बीमार चल रहे एक युवक ने खेत में खुद की गर्दन पर ब्लेड मार ली। परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर आ रही है अगली उन्नाव से ही, जहां आबकारी विभाग व थाना अजगैन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के आदेशानुसार व जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के निर्देशन में कृत कार्यवाही का विवरण। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वरदान न्यूज़।